आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आज हम अपने टॉपिक जीवन साथी का चुनाव किस प्रकार करें उसको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली दो वीडियोस में इसके बारे में बताया है कि सबसे पहले हम अपनी ही कुंडली को देखते हैं कि हमारा सेवेंथ भाव कैसा है और कारक ग्रह शुक्र कैसा है। ऐसा मैं अपनी दो वीडियो में आपको बता चुका हूं, आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। आज हमारा जो विषय है वो ये है कि जब हम अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो कैसे करें। ये दोस्तों, ये जो बात हो रही है उन लोगों के लिए हो रही है जिनकी मैरिज अभी होना बाकी है, ठीक है। जब हम कभी मार्केट में 100 रुपए का घड़ा भी खरीदते हैं तो उसको भी ठोक बजा कर खरीदते हैं, तो जब हम अपने जीवन साथी का चुनाव करने के लिए गए हैं तो कम से कम हमें ये जरूर देखना चाहिए कि जो हमारे अंदर कमियां हैं वो हमारे जीवन साथी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। इस प्रकार से हमारा जो मैरिज लाइफ है, जो वैवाहिक जीवन है, वो अच्छे से चलता है। अब मान लीजिए हमारे पास एक लड़की की कुंडली आती है और वो ये कहते हैं कि ये लड़का है और आप हमें बताओ कि इस लड़के से हमें इस अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितने गुण मिल रहे हैं। तो साहब, सबसे पहले तो मैं आज आपको इस गुण वाली बात को क्लियर करता हूँ। ये गुण 8 प्रकार के होते हैं, इनके आगे कुछ ना कुछ नंबर लिखा होता है, किसी के आगे 1, 2, 3, इस प्रकार से जब इनका टोटल करते हैं तो 36 होते हैं। हम लोग गुण मिलान को बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं देते हैं। उसका कारण क्या है, ये एक बहुत छोटी सी विद्या है जो पहले बहुत ज़्यादा काम किया करती थी। पहले क्या मतलब, आज की डिमांड, लड़के और लड़कियों की आज की डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज है। आज लड़कियां भी अपने सुख को चाहती हैं कि हमें क्या मिला, हम जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रकार की बात होती है। तो गुण मिलान की जो आज की सिस्टम है उसको हम केवल क्या करते हैं, थोड़ी सी वैधता देते हैं। अब होता क्या है गुण मिलान, दोस्तों गुण मिलान, हम कोई लड़का अपने जीवन साथी के प्रति कैसे भाव रखेगा, एक्चुअली ये वो है जो वो भाव रखता है, वो है। लड़की कैसे भाव रखेगी अपने जीवन साथी के प्रति, वो कैसे भाव रखेगी, वो हमें कहां से पता चलेगा, गुण मिलान से पता चलेगा। अभी गुण मिलान का सिस्टम है क्या, 36 गुण में से पता चला 32 मिल गए, 28 मिल गए, 20 मिल गए, 18 गुण तक, ठीक है। लेकिन कई बार हम लोगों ने क्या देखा है कि किसी किसी कुंडली में 36 गुण में से 32 मिल गए, लेकिन वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, झगड़े हैं, मार पिटाई है। ऐसा क्या कारण है, उसके पीछे का कारण क्या है कि गुण मिलान एक अच्छी बात तो है, लेकिन केवल गुण मिलान से हम काम करेंगे ऐसा नहीं। हम देखते हैं सेवेंथ भाव, हम देखते हैं उसका कारक ग्रह शुक्र, इन दोनों की एनर्जीज क्या कहती हैं वो देखते हैं। तो जब हमारे पास इस लड़की की कुंडली आती है कि इस लड़के से हमारी शादी होनी चाहिए या नहीं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लड़के की कुंडली को एनालाइज करते हैं। हम उसमें 5 चीजें देखते हैं जी। सबसे पहली कि वो लड़का करैक्टर का कैसा है, वो लड़का चरित्र का कैसा है, बहुत जरूरी चीज है जी, चरित्र का होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि उसका प्रोफेशन कैसा है। अब अगर शादी के वक्त तो उसका प्रोफेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हमें क्या एनालाइज करना होता है कि आगे चलकर कहीं ऐसा तो नहीं है, चाहे वो बिजनेस करता है, सर्विस करता है, कि उसके प्रोफेशन में कोई ऐसी बड़ी बाधा आ जाए कि उसका पैसा आना ही रुक जाए। अब जब पैसा नहीं आएगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी, तो इस प्रकार की भी हमें देखना होता है, उसका प्रोफेशन आगे तक उसको पैसा देता रहेगा या नहीं देता रहेगा। तीसरा नंबर हम देखते हैं हेल्थ, उस लड़के की हेल्थ कैसी रहेगी आगे तक। देखिए हेल्थ में क्या होता है, कभी कभी कुछ बड़ी इश्यूज आ जाते हैं, कोई दिक्कत आ जाती है, तो इस चीज को हमें यह चेक करना होता है। चौथा नंबर हम लोग देते हैं वैवाहिक सुख का। तो दोस्तों ये वैवाहिक सुख क्या है, वैवाहिक सुख क्या है कि इस लड़के की कुंडली में यदि अच्छा वैवाहिक सुख है तो ये इस लड़की के साथ अच्छे से रहेगा। मतलब अगर वैवाहिक सुख नहीं है तो क्या होगा,
आपस में झगड़ा होगा, मारपिटाई भी हो सकती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है साल भर के अंदर, दो साल के अंदर, तीन साल के अंदर लड़की लड़ झगड़ के अपने घर आ जाती है और बहुत सारे कानूनी पछड़े पड़ जाते हैं। तो वैवाहिक सुख देखना जरूरी है। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, संतान का, संतान सुख। अगर लड़के की कुंडली में संतान सुख है तो ये देखना बहुत जरूरी है कि ये लड़का किसकी कुंडली में संतान सुख है या नहीं, क्योंकि हमारे उसमें क्या होता है कि ये संतान सुख वाली सारी चीज लड़के के ऊपर टाल दी जाती है। नहीं तो लड़के की कुंडली में भी हमें लड़के की कुंडली में हमें संतान सुख देखना होता है। अब ये पांचों चीजें जब हमें पता चला कि एकदम ओके है जी, हम कह देंगे जी आप इस लड़के का विवाह अपनी बेटी से कर लो, तो इस तरीके से हम कुंडली का मिलान करते हैं। अब अगर हमारे पास लड़की लड़के की कुंडली आती है तो इस प्रकार से हम लड़की की कुंडली में भी ये पांच पॉइंट देते हैं, और छठा पॉइंट एक और ऐड करते हैं कि ये लड़की जब हमारे घर आएगी तो हमारे लिए भाग्यशाली होगी या नहीं होगी, तो एक पॉइंट हम ये इसमें और ऐड कर देते हैं। दोस्तों आज जो मेन समस्या आ रही है अधिकतर चैनल्स पर, अधिकतर उस पर एक बात ये बहुत बताई जा रही है कि जी मंगली है तो शादी नहीं होगी। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्योतिष एक विज्ञान है, इस पर जो लोग रिसर्च करते हैं वो लोग को ही कुंडली का एनालिसिस करना चाहिए, मतलब आप लोगों को उन्हीं पर जाना चाहिए जो इस विज्ञान को जानते हैं। देखिए अगर कोई लड़का मंगली है तो ये आम धारणा है कि हम लड़की भी मंगली ही ढूंढें, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब आज मैं आपको एक ऐसी कुंडली का चर्चा करूंगा कि जिसमें लड़का तो मंगली है लेकिन लड़की मंगली नहीं है। देखिए जी, देखो अब ये एक लड़की की कुंडली है और ये एक लड़के की कुंडली है, तो अब ये जो लड़का है, जो इन्होंने ये लड़का देखा है, ये लड़का मंगली है बट इनका इनकी बिटिया मंगली नहीं है, तो अब इसमें बात ये आती है कि ये लड़की तो मंगलिक नहीं है लेकिन ये लड़का मंगलिक है, तो क्या होगा, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, हमने आपको बताया कि सेवेंथ भाव देखेंगे, कारक शुक्र देखेंगे, सेवेंथ भाव इसका जी बहुत अच्छा है, कारक ग्रह शुक्र भी अच्छा बैठा हुआ है। इधर लड़के की कुंडली को हम एनालिसिस करते हैं तो इसका भी सप्तम भाव का स्वामी भाग्य में बैठा हुआ है और मंगल है ये, ठीक है कोई बात नहीं। अब शुक्र भी इसका बहुत अच्छा बैठा हुआ है, बात यहाँ ये हो रही है कि ये अच्छे वैवाहिक सुख को देने के लिए बाध्य है। अब इस लड़के की शादी क्या इस लड़की से होनी चाहिए, प्रश्न ये है, क्योंकि ये मंगल है, मांगलिक है और ये मांगलिक नहीं है जी, होनी चाहिए। आप पूछेंगे क्यों, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये लड़का इसको अच्छा परफेक्ट वैवाहिक सुख देगा, ये लड़का का मंगल उसके मन के भाव में बैठा है, गुस्सा भी करेगा, जोर से भी बोलेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वैवाहिक सुख के लिए जो हम देख रहे हैं उसमें इस इन दोनों का वैवाहिक सुख, वैवाहिक जीवन बहुत शानदार जाएगा। रीजन क्या है कि इसका मंगल या इसे उग्र तो बना रहा है, मान लिया, लेकिन इसके लिए ये बहुत अच्छी अवस्था है। इस लड़के की शादी जब इस लड़की से हम करते हैं, वैवाहिक जीवन इनका अच्छा हो गया, अब इस लड़की से आप पूछते हो जी क्या है, ये कहेगी जी गुस्सा बहुत करते हैं लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं मुझे। अब कभी आप कल्पना भी कर सकते हो कि ये लड़की कभी आपसे घर पे आके कहेगी कि भाई ये जीवन सही नहीं है, ये जीवन साथी मेरा सही नहीं है, और ये क्यों, वो कभी आपसे शिकायत नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये लड़का अपने पत्नी की बहुत रेस्पेक्ट भी करता है और सारा कुछ हर चीज हर तरीके से उसको खुश रखता है। तो इस प्रकार से यह मंगल, आप ये मत मानिए कि दोष में है, नहीं, मंगल करता क्या है ये हमें हर कुंडली में एनालिसिस करना होता है। देखिए ये सारा का सारा सिस्टम कि हमें मंगल के शादी मंगलिक लड़की से करनी चाहिए या किस कंडीशन में करने चाहिए, ये हमारी अपनी रिसर्च का विषय होता है। तो इतना एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक छोटा सा जो मन में ये बात रहती है ना कि हम मंगली हैं तो हमें मंगली देखना है, नहीं, हम ऐसा भी देख सकते हैं कि वो मंगल क्या प्रभाव डाल रहा है, ये बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं जो हम अपनी तरफ से करते हैं। तो केवल आपको क्या करना है, जब भी हमें
अपने बेटे की शादी या लड़के की या लड़की की जिसकी भी हम शादी करना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके इसकी संभावना इतनी ज़बरदस्त होती है कि हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चलता है। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहूँगा कि शादी से संबंधित यदि कोई क्यूरी आपके पास हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं आपके प्रश्न का जवाब दे सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।